नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच एक नए रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे आधे कप गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी और अलग तरीके से नाश्ता, जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आधा कप गेहूं के आटा ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डाल देते हैं आटा को, साथ ही आधा कप मैदा लिए है इसे भी डाल देती हूँ, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिए है इसे भी डाल देती हूँ, और एक चम्मच सफ़ेद वाली तिल है इसे भी डाल देती हूँ, और आधा चम्मच हम कलंजी लिए है इसे भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा अजवाइन लिए है इसे भी डाल देती हूँ, और एकदम हल्का सा नमक डाल देते हैं। दो चम्मच यहीं पर तेल डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ता डाल देते हैं, इससे नाश्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो हम सबको साथ मिक्स कर लेते हैं इस तरह से कि आटे और मैदे में हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एकदम सख्त आटा लगा लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी चपाती के आटा लगाते हैं सेम उसी तरह से आटा लगा लेंगे। तो सबको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम सख्त आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिए हैं, तो इसे ढक कर रख देती हूँ रेस्ट के लिए। तब तक एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 उबला हुआ आलू लिए है, इसे ठंडा करके अच्छे से छिलका उतार ली हूँ, और चम्मच के सहायता से हम इसे मिक्स कर लिए हैं। देखिए इसमें बिल्कुल गुलठिया नहीं है, तो इसी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज को प्याज के बारीक काट लिए है इसे डाल देती हूँ, और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिए है इसे भी डाल देती हूँ, और यहाँ पर आधा चम्मच हम चाट मसाला डाल देते हैं, इसके जगह आप नींबू भी ले सकते हैं, और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम हरा धनिया के पत्ता डाल देते हैं, और यहीं पर एक चम्मच हम चावल के आटा डाल देते हैं, इससे हमारा आलू सख्त रहेगा। तो सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले के साथ। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं आलू के साथ, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो इसे थोड़ा देर हम और मसल लेते हैं। तो इसे हम दो भाग में कर लेती हूँ, और यहाँ पर हम एक चकला लिए है, इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा दिए है, तो इसी पर हम लोई को रख कर और हाथों से चारों तरफ दबा देंगे अच्छे से, और बेलन से हम बेल लेंगे चकला के बराबर। तो हम चकला के बराबर बेल लिए हैं, और यहाँ पर एक गिलास ली हूँ, इसी से हम काट लेंगे पूरी की तरह गोल। अगर आपके पास कटर हो तो कटर से काट सकते हैं। तो हमारा एक साथ 4 गो पूरी हुआ है, तो इसमें जो एस्टाड़ा आटा है उसे हम निकाल लेती हूँ, फिर से इसे हम बेल लेंगे। तो हम 3 पूरी को साइड में रख दिए हैं और 1 पूरी यहाँ पर ले लिए हैं, तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और इसे हम फोल्ड कर देंगे, ज़्यादा दबाएंगे नहीं, हल्का दबाएंगे।
हम चारों तरफ से फोल्ड कर दिए हैं, इसे हम पलट लेते हैं। और जो आलू का हम स्टेपिंग बना कर रखे थे उसे हम गोल कर कर और इस पर रख देंगे। और इस तरह से हम इधर से उठाएंगे और इधर से, और इसी तरह फिर इधर से उठाएंगे हम जोड़ देंगे चारों तरफ को। और जो इसे हम फोल्ड किए हैं उसे हम इस तरह से उठाएंगे और ऐसे ही दबा देंगे। तो देखिए कितना अच्छा डिजाइन बन गया है नाश्ते में। तो इसी तरह से हम बाकी नाश्ता के बनाकर तैयार, तो हम इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलते हैं गैस के पास, इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसी में हम नाश्ते के एक एक कर कर डाल देंगे। और गैस के फ्लेम हम लो रखेंगे, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा। तो जितना कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल देंगे। अगर 1 से 2 मिनट इसे हम छुएंगे नहीं न तो टूट जाएगा। और इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे इस तरह से उठाकर। तो आलू में हम इसीलिए चावल के आटा मिलाए हैं कि स्टफिंग हमारा बाहर नहीं आए। तो देखिए यहाँ बिल्कुल बाहर नहीं आया है। तो इसी तरह से हम इसे पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गया है 2 मिनट, इसे हम पलट देते हैं। तो हम पलट दिए हैं, इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट में पलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिए हैं। तो तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। तो हम प्लेट में निकाल लिए हैं, इसी तरह से बाकी का नाश्ता फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मेरा गर्मा गर्म गेहूँ के आटे का नाश्ता बनकर के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है। तो आप इसे हल्का फुल्का भूख हो तो खा सकते हैं, या जब कभी खाने का मन हो तो इसे बना करके खा सकते हैं। तो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।